खैर 4 नवंबर से मौसम सरमा की बारिशों का इम्कान हो चुका है, तो आप तैयार हो जाइए, छतरियां वतरियां निकालने, कपड़े निकालने। और ये ब्रेकिंग है जी कि कराची समेत अंदरूनी सिंध में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्का है। 6 से 7 नवंबर तक बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। यार मैं सोचने पे वर्दा इस वक्त बड़ा परेशान हो रहा हूँ ये बात कि ऑलरेडी सिंध में पानी खड़ा हुआ है, ऐसे लाभ मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, वो लोग ऑलरेडी राशन के लिए हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस सुभान अल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, लेकिन सोचने की बात है अगर मजीद बारिश होगी तो उनकी मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी। जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, बरकत की और रहमत की बारिश अता फरमाए ताकि इनकी मुश्किलात में और इजाफा ना हो। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।